हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिफोर यू रीड, जो लिखा हुआ है आपको पढ़ने चैप्टर पढ़ने से पहले पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, यानी इसमें लिखा है आप जानते हैं कि दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, यानी डॉग और वॉल्फ, वॉल्फ कहते हैं भेड़िए को, वॉल्फ और डॉग क्या है, दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, यानी परिजन तो नहीं कहेंगे आप, संबंधित कह सकते हैं या रिश्तेदार कह सकते हैं, ठीक है। तो यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ कहा गया है आपको ये भी जानना चाहिए किस तरह कैसे सदियों से ह्यूमन बींग्स यानी इंसान हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टैम्ड वाइल्ड एनिमल्स, किस तरह पालतू जानवरों को और जंगली जानवरों को इंसान पालतू बनाता रहा है, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टैम एनिमल्स, यानी ये स्टोरी जो है हमारी वो किस बारे में है, वो है हमारी एक कुत्ते के बारे में, वो किस तरह पालतू बना, यानी वो जंगली कुत्ता था वो किस तरह पालतू बना उसके बारे में, और जब से वो जो है पालतू ही है। चलिए अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। अब स्टोरी में क्या लिखा है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कैसे कुत्ते ने अपने लिए एक न्यू मास्टर तलाश किया, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। डॉग्स वर वंस their own master and live the way wolves do in freedom, यानी dogs were once their own master, यानी एक समय था जब dog क्या था, खुद का master हुआ करता था, and live the way wolves do, यानी क्या करता था, वो भी भेड़िए की तरह ज़िंदगी गुजारता था, यानी आज़ादी में, in freedom, ठीक है। अब क्या है, वो पालतू बन गया तो वो फ्रीडम नहीं है उसके पास, अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न, जब तक एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ, हु वॉज इल प्लेस्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, जब तक एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ, वॉज इल प्लेस्ड, यानी जो बुरा समझता था इसको, इल यहाँ पर बुरे के लिए इस्तेमाल किया गया है, इल का मतलब बीमारी भी होता है, ठीक है, इल प्लेस्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, यानी वो इस तरह की जिंदगी को बुरा समझता था, और क्यों समझता था इसके बारे में आगे है, he was sick and tired of wandering about by himself, यानी वो इस चीज़ से थक चुका था, किस चीज़ से थक चुका था और बीमार था, किस वजह से, कि वो इधर उधर से भटकते रहते हैं, wandering means भटकना, इधर से उधर भटकना, और किस लिए भटकना, by himself looking for food, अपने खाने की तलाश में इधर उधर से भटकना, और and being frightened of those who were stronger than he, यानी उन जानवरों से डरना जो यानी भयभीत होकर उनसे डरना, जो लोग उससे यानी जो जानवर उससे ज़्यादा stronger थे, यानी ताकतवर थे, ठीक है, जो ज़्यादा ताकतवर जानवरों से डरना, ये सब उसे बुरा लगने लगा था, यानी अब वो कमज़ोर है तो ताकतवरों से तो डर के भागना पड़ेगा उसको, इसलिए ये सब चीज़ें उसको बुरी लगने लगी। He thought it over the decided that the best thing for him, यानी उसने सोचा और अपने बारे में डिसाइड किया, सबसे अच्छी चीज़ to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, यानी वो ऐसे आदमी का servant बनेगा, servant कहते हैं काम करने वाले को, यानी उसका गुलाम समझ लीजिए, तो सर्वेंट बनेगा ऑन ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, जिससे कोई स्ट्रॉन्गर ना हो, यानी वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, किसमें, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, ऐसे आदमी का वो क्या बनेगा, सर्वेंट बनेगा, एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, इस तरह वो अपने मास्टर के लिए मास्टर की तलाश में वो निकला। आगे क्या है, he walked and he met a kinsman of his, अपने किसी परिजन से मिला,
एंड हिज एंड बिग वॉल्फ हु वॉज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। फियर्स कहते हैं आपका भयंकर यानी खतरनाक, वो एक बड़ा खतरनाक क्या था, वॉल्फ था यानी भेड़िया था जो ज़्यादा ताकतवर था, उससे मिला। वेयर आर यू गोइंग डॉग, यानी उसने पूछा, किसने, वॉल्फ ने पूछा, वेयर आर यू गोइंग डॉग, कहाँ जा रहे हो, कुत्ते से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। द वॉल्फ आस्क्ड, इन वॉल्फ ने पूछा, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। अब कुत्ते ने क्या जवाब दिया, आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं देख रहा हूँ किसी को, टू टेक अप सर्विस विद, यानी मैं जिसके साथ काम कर सकूँ, यानी अपनी सर्विस दे सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे, वॉल्फ। अब उसने जवाब दिया, आई डोंट सी वाई नॉट, मैं क्यों नहीं देखता हूँ, क्यों नहीं। फिर उसने कहा, मतलब उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। द वॉल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन, यानी वो उस पर सहमति जताने लगा। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, द टू ऑफ देम यानी वो दोनों चले साथ साथ, ठीक है, टुगेदर कहते हैं साथ के लिए। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, आगे क्या हुआ, दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चले और चले, एंड ऑल ऑफ अ सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोस। अब क्या हुआ, अचानक से वो सब अपनी नाक दबाकर भागने लगे, मतलब नाक उठाई मींस नाक को ऊंचा करते हैं वो किसी के आने की आहट सुनने के लिए, तो इसलिए नॉइस लिफ्टेड, वॉल्फ लिफ्टेड हिज नॉइस, सूंघा स्निफ्ड, सूंघा यानी डर्टेड यानी क्विकली ऑफ द पैथ, यानी उन्होंने फौरन फटाफट जल्दी से क्या किया, रास्ता बंद किया, एंड इनटू द बशेज एंड क्रैप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, अब क्या हो रहा है वहाँ, वो जो है बशेज कहते हैं बहुत गहराई में, बशेज गहराई में, एंड क्रैप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, अब जंगलों में झाड़ियों में वो छुप के बैठ रहे हैं। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, अब वो जो कुत्ता था वो बहुत सरप्राइज हुआ इस बात को देखकर कि वो छुप रहे हैं। अब उसने पूछा, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, क्या चीज़ तुम पर आ रही है, यानी क्या खतरा है आपको, क्यों आप छुप रहे हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको डराए हुए है, फ्राइटेंड यानी भयभीत होना, अभी आपको पीछे भी बताया था फ्राइटेंड नहीं, आप क्यों भयभीत हैं, क्या वजह है, कांट यू सी, अब जो वॉल्फ है वो जवाब दे रहा है, कांट यू सी, क्या तुम नहीं देखते हो, कांट यू सी देयर्स अ बियर आउट देयर, बाहर वहाँ एक बियर है यानी वो भालू है, भालू, एंड ही मेट माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी, और वो खा सकता है हम सबको और मुझे भी और तुम्हें भी, यानी हर एक को वो खा सकता है। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, अब वो देखता है क्या, बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, यानी वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कौन, वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्या है, भालू है हमारा, तो उसने देखा अरे ये तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, अब डॉग ने डिसाइड क्या किया, डिसाइड किया कि अब मैं जो है किसको सर्विस दूंगा, भालू को सर्विस दूंगा अब। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, यानी अब उसने कहा वॉल्फ से, मतलब वो चला गया वॉल्फ को छोड़कर, एंड उसने पूछा किससे, भालू से पूछा, टू बी हिज मास्टर, क्या वो मेरा मास्टर होगा, यानी उसका वो मास्टर होगा या नहीं होगा। द बियर एग्रीड टू दिस रीडिली, रीडिली मीन्स बड़ी आसानी से उसने उसे मान लिया उसकी बात को, किसने, भालू ने, भालू ने कुत्ते की बात को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, एंड सेड और कहा, लेट अस गो यानी हम चलेंगे, एंड फाइंड अ यर्ड ऑफ काउस, अब हम क्या तलाश करेंगे, एक काउ मीन्स भैंस
और भैंसों का झुंड, भैंस या गाय तो हम कह सकते हैं, काउ गायों को बोलते हैं, गाय के झुंड जो होते हैं जंगलों में, तो उन्हें तलाश करेंगे। लेट अस गो एंड फाइंड हियर्ड ऑफ काउस, यानी भैंसों के एक झुंड को तलाश करेंगे और क्या करेंगे, आई विल किल अ काउ, और मैं एक गाय को मारूंगा, किल यानी मारना, एंड देन वी कैन बोथ ईट और फिल, और फिर क्या करेंगे हम, एंड देन मैंने अभी आपको पीछे शायद समझाया था, दो तरह के देन होते हैं, एक देन वो होता है जिसमें ए एन आता है, देन जब हम टी एच ए एन वाले में हम दो वर्ड्स को कंपेयर करते हैं, और यहाँ पर टी एच ई एन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, फिर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पीछे वाला देन भी देख लेते हैं, यहाँ पर एक देन था, ये आपका स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, Seeing that the bear was stronger than the wolf, then यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये किस लिए इस्तेमाल हुआ है, हम दो चीज़ों में जब कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को तब हम इस then का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम फिर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम en वाला then इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, एक भालू को और एक भेड़िए को, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बीच में क्या यूज़ किया, then। इसी तरह अभी हम यहाँ चल रहे हैं तो यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ पर then का इस्तेमाल किया, तो यहाँ किस लिए इस्तेमाल किया, फिर। अब यहाँ दोबारा रिपीट कर लेते हैं, आई विल किल अ काओ, मैं एक गाय को मारूंगा, एंड देन और फिर, एंड देन यानी और फिर, वी कैन बोथ ईट और फिल, यानी हम खा सकते हैं भरपेट, फिर उसको हम खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 5 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं और 5 पैराग्राफ हमारे बाकी हैं, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5 पैराग्राफ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और जो मुश्किल वर्ड्स आए हैं, जो मैंने समझाए हैं, वो तमाम मुश्किल वर्ड्स मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, पिक लिख कर और आपको पिक सेंड कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको रीड करना है और समझना है यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या मुश्किल वर्ड्स हैं। अगर कोई मुश्किल वर्ड मुझसे छूट जाए तो आपको क्या करना है, वो मुझसे पूछना है, ठीक है। चलते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।